मित्रों, एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर टहल रहे थे तो माता पार्वती बोली, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। फिर भगवान शिव कहने लगे, ठीक है पार्वती, तुम अपना प्रश्न पूछ सकती हो। तो पार्वती बोली, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सा पाप स्त्री या पुरुष को संतानहीन, गुणहीन, धनहीन एवं विवेकहीन बना देता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें निश्चित मिल जाएगा। इसलिए कहानी को बड़े ही ध्यान से और पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे मेरा मन कहीं दूसरी तरफ नहीं भटकेगा। आप कहानी को शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार एक राज्य में एक राजा था, उसकी बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। जब वो राजकुमारी बहुत छोटी थी तो रानी उससे कहती थी कि मेरी चिड़िया जैसी प्यारी बेटी, तू इतनी जल्दी बड़ी हो रही है, किसी दिन कोई चिड़ा आकर के तुझे लेकर चला जाएगा। वहीं रानी को इस बात की चिंता रहती थी कि किसी दिन उसकी लाडली बेटी उसे छोड़कर चली जाएगी। रानी बड़े प्यार से अपनी राजकुमारी से अक्सर यही कहती थी कि जब बेटी तू बड़ी हो जाएगी तो कोई चिड़ा तुझे निश्चित उड़ाकर ले जाएगा। वहीं एक दिन वो राजकुमारी जो थी अपनी सहेलियों के साथ में एक बगीचे में खेल रही थी और एक पेड़ के ऊपर एक चिड़ा बैठा था। फिर रानी ने अपनी बेटी से पुनः वही बात दोहराई और कहा, बहुत जल्दी तू मुझसे दूर चली जाएगी और एक दिन कोई चिड़ा आकर के तुझे हमेशा के लिए अपने साथ उड़ा ले जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब रानी ने इतनी बात कही कि कोई चिड़ा उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा, तो वहीं पास पर पेड़ पर बैठा हुआ एक चिड़ा इस बात को ध्यान से सुन रहा था, यानी वो चिड़ा रानी की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। समय धीरे धीरे गुजरता गया, मगर वो चिड़ा रोजाना उसी बगीचे में आकर के उसी पेड़ पर बैठ जाया करता था, जिस बगीचे में वो राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए रोजाना आया करती थी। और फिर रानी पीछे से आकर के रोजाना अपनी राजकुमारी से यही बात कहती थी कि बेटी तू इतनी जल्दी बड़ी हो रही है, तू इतनी सुंदर है कि एक दिन कोई चिड़ा आकर के तेरे साथ विवाह रचाएगा और तुझे अपने साथ में उड़ाकर ले जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार रानी की बात को वो चिड़ा जो था पेड़ पर बैठ कर के बड़े ही प्यार से ध्यानमग्न होकर के रोजाना सुना करता था कि जब राजकुमारी बड़ी हो जाएगी तो एक दिन चिड़ा आकर के उसके साथ विवाह करेगा और उड़ाकर ले जाएगा। वहीं पेड़ पर बैठा हुआ चिड़ा जब रानी की बात को सुना करता था कि कोई चिड़ा उसकी राजकुमारी को उड़ाकर ले जाएगा, तो वो चिड़ा जो था मन ही मन में ये सोच करके बहुत खुश हुआ करता था कि एक दिन ये राजकुमारी मेरी होगी, मैं निश्चित ही इसके साथ विवाह करूँगा और इसे उड़ा करके अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। फिर समय धीरे धीरे गुजरने लगा और फिर वो चिड़ा जो था उस राजकुमारी के बड़े होने का इंतजार करने लगा कि कब राजकुमारी जल्दी बड़ी हो जाए और वो उसके साथ में शादी करे और उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाए।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब राजकुमारी बड़ी हो जाती है, लेकिन जैसा चिड़ा ने सोचा था, जैसा चिड़ा रानी के मुंह से सुनता था, आखिरकार वैसा नहीं हुआ। एक दिन जब राजकुमारी बड़ी हो गई तो राजकुमारी की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और एक राजकुमार अपनी बारात लेकर के राजकुमारी से विवाह करने आ गया। वहीं उस राजकुमार को दूल्हा बना देख करके वो चिड़ा जो था बहुत निराश हुआ। वो तो बहुत दिनों से इसी उम्मीद में कुवारा बैठा था कि रानी अपनी राजकुमारी को किसी चिड़े के साथ उड़ने भेजेगी और वो राजकुमारी को उड़ाकर ले जाएगा। फिर तो राजकुमारी की शादी एक राजकुमार के साथ होती देख करके उस चिड़े का दिल टूट गया और वो चिड़ा जो था सीधा राजा के पास गया और उसे अपनी व्यथा सुनाई। हे राजन, आपकी रानी रोजाना बगीचे में जाकर कहती थी कि बेटी तू जल्दी बड़ी हो रही है, एक दिन कोई चिड़ा आकर के तुझे शादी करेगा और तुझे उड़ाकर ले जाएगा। तुम्हारी रानी ने मुझे धोखे में रखा है, मैं आज तक कुंवारा रहा, मैंने किसी के साथ शादी नहीं की और मैं ये सोचता रहा कि कब राजकुमारी जल्दी बड़ी हो जाए और मैं उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाऊं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं राजा जो था उस चिड़े की बात को सुनकर के बहुत ही जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपनी रानी को बुलाया और पूछा, क्या सही में रानी तुम कहती थी कि कोई चिड़ा राजकुमारी को उड़ाकर ले जाएगा? तो इस पर रानी ने कहा कि वो तो प्यार में ऐसे ही अपनी बेटी से कहा करती थी और उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि सचमुच का कोई चिड़ा उसकी बेटी को लेकर जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मगर उस चिड़े के साथ में धोखा हो चुका था, वो राजकुमारी को अपने साथ ले जाने के लिए अड़ गया। वहीं राजा ने अपनी बेटी को चिड़ा के साथ विवाह करके भेजने से इनकार कर दिया। फिर तो राजा के मना करने के बाद में चिड़ा जो था अपने साथ हुए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर चिड़ा जो था उड़ करके एक दूर जंगल में पहुंच गया। वहां उसने अपने सारे समुदाय को इकट्ठा किया और राजा से युद्ध करने की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं राजा को अपनी सेना पर भी बहुत घमंड था, वो चिड़ियाओं से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन राजा की सेना को चिड़ा की सेना के आगे हार का सामना करना पड़ा। वहीं युद्ध जीतने के बाद में जब चिड़ा राजकुमारी को अपने साथ उड़ाकर ले जाने को तैयार हुआ तो देवताओं ने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने कहा, अगर ऐसा हो गया तो आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, और फिर चिड़िया और आदमी के विवाह से जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी। वहीं देवताओं ने उस चिड़े की प्रजाति को काफ़ी समझाया। काफ़ी समझाने के बाद में चिड़िया की प्रजाति ये मान गई कि राजकुमारी को अपने साथ ले जाने में उनकी भलाई नहीं है, क्योंकि उन दोनों के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो अद्भुत प्रकार की होगी, इससे समुदाय भी खराब हो जाएगा। वहीं इन सब बातों को सुनकर के चिड़ा इस बात पर राजी हो गया कि अब वो राजकुमारी से शादी नहीं करेगा। वो राजकुमारी से शादी के लिए बिल्कुल भी जिद नहीं करेगा, लेकिन कि रानी को अपने गलत वचनों और मुझे धोखे में रखने की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो राजकुमारी ने कहा, मेरी सजा क्या होगी? फिर चिड़ा ने कहा, जो स्त्री या पुरुष 10 प्रकार के पाप करता है उसे एक जन्म के लिए संतानहीन, गुणहीन, धनहीन एवं विवेकहीन बनना पड़ता है, और तुमने जो पाप किया है वो भी इन 10 पापों में से एक है, इसलिए तुम्हें भी अगले जन्म में संतानहीन, गुणहीन, धनहीन एवं विवेकहीन होना पड़ेगा। इससे कभी किसी के साथ में मजाक ना करो, कभी किसी को धोखे में ना रखो। फिर वो राजकुमारी चिड़े से कहती है, अच्छा एक बात बताओ, वो 10 पाप कौन से हैं जिनमें से मैंने एक पाप किया है? तो चिड़ा कहता है, मैं तुम्हें उन 10 पापों के बारे में बताता हूँ। पहला पाप, किसी भी स्त्री का अपमान करना पाप है। ध्यान रखें, कभी भी गर्भवती या मासिक धर्म के दौरान किसी महिला को बुरा बोलना, उसका अपमान करना महापाप है। ये पाप करने वाला व्यक्ति भी कभी सुखी नहीं रहता और उसे
और उसे एक जन्म के लिए संतानहीन, गुणहीन, धनहीन एवं विवेकहीन होना पड़ता है। दूसरा पाप, दूसरों का धन पाने की इच्छा करना भी महापाप कहलाता है। इस पाप को करने वाला स्त्री पुरुष भी एक जन्म के लिए संतानहीन, गुणहीन, धनहीन एवं विवेकहीन हो जाता है। तीसरा पाप, किसी सीधे साधे इंसान को या किसी भी पशु पक्षी या जीव को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना, उसे धोखे में रखना, उनके लिए बाधाएं पैदा करना या बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना महापाप कहलाता है। और ऐसे पाप करने वाले स्त्री या पुरुष को एक जन्म के लिए संतानहीन, गुणहीन, धनहीन एवं विवेकहीन होना पड़ता है। चौथा पाप, अच्छा बुरा सही गलत जानने और समझने के बाद भी यदि कोई गलत काम करता है तो वो भी महापाप कहलाता है और उसकी सजा उसे अवश्य मिलती है। पांचवा पाप, पराई स्त्री पुरुष पर बुरी नज़र रखना या उन्हें पाने की कोशिश करना या उनके बारे में गलत सोचना भी महापाप कहलाता है। और ऐसा पाप करने वाला स्त्री या पुरुष एक जन्म के लिए संतानहीन, गुणहीन, धनहीन एवं विवेकहीन हो जाता है। छठवां पाप, दूसरों के मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलना, छल कपट करना और षड्यंत्र रचना पाप कहलाता है। सातवां पाप, छोटे बच्चों, महिलाओं या किसी भी कमजोर व्यक्ति या जीव के खिलाफ हिंसा करना, असामाजिक कर्म करना भी महापाप कहलाता है। आठवां पाप, किसी मंदिर या धार्मिक स्थलों से किसी चीज को चुराना या गलत तरीके से दूसरों की संपत्ति हत्याना भी महापाप कहलाता है। नवा पाप, गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान करने वाला भी महापापी होता है और उसे एक जन्म के लिए संतानहीन, गुणहीन, धनहीन एवं विवेकहीन होना पड़ता है। अंत में चिड़ा कहता है, राजकुमारी अब मैं तुम्हें दसवें पाप के बारे में बताता हूँ। जो स्त्री पुरुष नशा करता है या दान की हुई चीजें या धन वापस लेता है वो भी महापाप कहलाता है। किसी भी प्रकार के अधर्म में भागीदार बनना भी महापाप कहलाता है। और ऐसे स्त्री या पुरुष को एक जन्म के लिए संतानहीन, गुणहीन, धनहीन एवं विवेकहीन होना ही पड़ता है। इसलिए हर स्त्री या पुरुष को इन 10 पापों से हमेशा बचना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बिताना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस रानी ने भी इन 10 पापों में से एक पाप किया और फिर इसी पाप की वजह से अगले जन्म में चिड़ा को धोखे में रखने एवं अपने गलत वचनों के लिए संतानहीन, गुणहीन, धनहीन एवं विवेकहीन होना पड़ा। इसलिए कभी भी स्त्री या पुरुष को इन 10 पापों से हमेशा बचना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।